हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एयरटेल डिजिटल टीवी एचडी सेट टॉप बॉक्स के बारे में और साथ में डिश टीवी डीटीएच एचडी सेट टॉप बॉक्स के बारे में। इन दोनों की डिटेल्ड वीडियो है, तो इसमें हम जानेंगे कि कौन सा डीटीएच बेहतर है। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा डीटीएच लेना अच्छा रहेगा, एयरटेल या डिश टीवी का। तो शुरू करते हैं वीडियो एयरटेल से। तो इस तरीके का दिखता है ये एयरटेल डिजिटल टीवी एचडी सेट टॉप बॉक्स। इसमें एक महीने का बेसिक पैक आपको फ्री मिलता है, इसमें रिकॉर्डिंग प्लस फ्री स्टैंडर्ड्स इंस्टॉलेशन भी है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है इसकी। तो इस तरीके का सेट टॉप बॉक्स है एयरटेल का, और साथ में एक आपको रिमोट कंट्रोल मिलेगा। तो ये सिंगल रिमोट होगा, आप इससे टीवी भी कंट्रोल कर सकते हैं और सेट टॉप बॉक्स भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको दो दो रिमोट कंट्रोल रखने की ज़रूरत नहीं है जब आप एयरटेल डीटीएच या सेट टॉप बॉक्स यूज़ करते हैं। तो आपको सिर्फ एक ही रिमोट यूज़ करना है जो कि एयरटेल सेट टॉप बॉक्स के साथ मिलेगा। तो इससे आप टीवी भी कंट्रोल करेंगे और सेट टॉप बॉक्स भी कंट्रोल करेंगे। तो इसमें कुछ फीचर्स हैं जैसे कि पॉज एंड रिकॉर्ड लाइव टीवी। तो जैसे आप इसमें कोई भी लाइव प्रोग्राम आप पॉज कर सकते हैं और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं लाइव ब्रॉडकास्ट को, जैसे कि क्रिकेट आ रहा हो लाइव या फुटबॉल फीफा कुछ भी, तो आप उसको लाइव रिकॉर्ड कर सकते हैं और लाइव को पॉज भी कर सकते हैं। इससे ये बेनिफिट होगा कि अगर आपको जैसे आपके पास कोई दूसरा काम है तो आप इसको रिकॉर्ड करके लाइव ब्रॉडकास्ट को या उसको पॉज करके आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है इसमें। और 5x पिक्चर क्लैरिटी मिल जाएगी इसमें, तो पिक्चर की क्लैरिटी काफ़ी अच्छी होगी, 5x बता रहे हैं। और इसमें फुल हाई डेफिनेशन 1080p पे चलेगा ये। और साउंड के बारे में बात करें, इसमें डॉल्बी ऑडियो है तो साउंड क्वालिटी भी काफ़ी सही है इसमें। सिंगल रिमोट फॉर टीवी एंड सेट टॉप बॉक्स जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और 24x7 कॉल सेंटर सपोर्ट भी मिल जाएगा इसमें आपको। तो अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है इसमें तो आप कभी भी कस्टमर केयर पे कॉल करके आप हेल्प ले सकते हैं। और नो एचडी एक्सेस फी, तो हाई डेफिनेशन जो आप इसमें यूज़ करेंगे चैनल्स वगैरह उसका कोई भी एक्सेस फी नहीं होगा। तो इसके और भी कुछ फीचर्स देख लेते हैं हम। तो ये ब्रांड है एयरटेल डिजिटल टीवी का, कलर ब्लैक होगा इसमें, और कनेक्टर HDMI है। तो इसमें 1 month पैक सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड होगा। तो एयरटेल HD सेटअप बॉक्स से थिएटर जैसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने घर पर विद हाई डेफिनेशन प्रीमियम क्वालिटी वीडियो 1080i रेजोल्यूशन। इसमें साउंड है डॉल्बी डिजिटल प्लस 5.1 सराउंड साउंड जो कि बहुत सही है, और रिकॉर्ड एंड प्ले लाइव टीवी सो दैट यू नेवर मिस योर फेवरेट शोज़। तो इसमें डिलीवरी और स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन फ्री है बिल्कुल, और कोई भी एक्सेसरी जो पार्ट नहीं है इस एयरटेल DTH सेट टॉप बॉक्स का तो उसके अलग से चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो इसमें 550 प्लस SD और HD चैनल्स होंगे। माउंटिंग हार्डवेयर इसमें मिल जाएगा, एक सेट टॉप बॉक्स, HDMI केबल, रिमोट कंट्रोल, आउटडोर यूनिट और अप टू 10 मीटर केबल इसके साथ में आएगा। और इसमें सेट टॉप बॉक्स में एक USB पोर्ट है और HDMI कनेक्टर टाइप होगा इसमें, और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं करता ये। और कस्टमर रेटिंग हम देखते हैं तो इसमें 4.1/5 है जो कि बहुत अच्छी रेटिंग्स हैं इसकी। तो इसके प्राइस के बारे में हम देख लेते हैं, ये है 1199 रुपये का, तो काफ़ी सही प्राइस में मिल रहे हैं ये। तो अगर आप इसको ऑर्डर करते हैं तो आपको ये 2 से 3 दिनों के अंदर डिलीवर हो जाएगा अमेजोन से। तो ये है डिश टीवी DTH HD सेट ऑफ बॉक्स विद 1 month सब्सक्रिप्शन ऑफ बजट हिंदी पैक प्लस इंस्टॉलेशन। तो इस तरीके का दिखता है डिश टीवी HD होम। ये सेट ऑफ बॉक्स है, ये रिमोट कंट्रोल और ये इसका डिश। तो इसमें एक महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा बजट पैक का। तो इन्जॉय 230 प्लस FTA चैनल्स प्लस 4 पॉपुलर हिंदी GEC चैनल्स। तो आपको जी एंड मोल, स्टार उत्सव मूवीज़, सोनी पल, कलर रिश्ते और इस तरीके के काफ़ी आपको चैनल्स मिल जाएंगे। तो अगर आप ये कनेक्शन लेते हैं तो आपको तो वॉचो ऐप में लाइव TV चैनल्स, ओरिजिनल शोज़, रिचार्ज एंड मोर एक महीने का प्रीमियम एक्सेस मिल जाएगा अगर आप कनेक्शन लेते हैं तो। और ये है इसका रिमोट कंट्रोल, यहाँ पे इसके नंबर पैड्स हैं और ये सारे इसके हॉट कीज़, ये सारे फंक्शन दिए हुए हैं इस डिश टीवी के। तो इसका कनेक्टर टाइप है HDMI। तो अगर आप ये ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आपको 300 रुपये का बेनिफिट मिल जाएगा, एक मंथ का पैक मिलेगा उसमें आपको। और इसमें लोएस्ट रिचार्ज होगा 99 रुपये का पर मंथ अगर आप ये डिश टीवी HD होम कनेक्शन लेते हैं तो। फीचर्स और सपोर्ट हम देख लेते हैं, 1080i रेजोल्यूशन मिल जाएगा, 5x बेटर पिक्चर क्लैरिटी होगी और सराउंड साउंड होगा, 24x7 कस्टमर केयर विद रीजनल लैंग्वेज सपोर्ट, जो भी रीजनल लैंग्वेज है आपकी उसके अकॉर्डिंग आपको कस्टमर सपोर्ट मिलेगा। वारंटी इसकी देखें तो 5 साल की सेट टॉप बॉक्स की वारंटी है। तो इसमें फ्री डिलीवरी और स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन हो जाएगा आपका डिश टीवी ऑथराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर से। इसमें आपको पावर अडैप्टर, डिश एंटेना, रिमोट कंट्रोल, HDMI,
या फिर AV केबल फॉर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। टेक्नीशियंस लगाने आएंगे तो केबल 10 मीटर तक फ्री है, उसके बाद आपको चार्जेस देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा मीटर्स वायर के, केबल के। और जैसा कि आपको पता है डिश टीवी एशिया का सबसे बड़ा, इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड DTH ब्रांड है। तो इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसमें कुछ वेरिएंट मिल जाएंगे आपको, इसमें प्राइस डिफरेंट है। जैसे कि एक महीने का पैक अगर आप लेते हैं तो प्राइस हो जाएगा 1199 रुपए का, और वन मंथ पैक अगर आप लेते हैं विदाउट एंटेना, अगर आप एंटेना नहीं लेते हैं डिश का, तब आपको प्राइस पड़ जाएगा 999 रुपए। और 12 महीने का पैक लेते हैं अगर आप, तो इसका प्राइस होगा 2412 रुपए, और 6 महीने का पैक लेते हैं तो आप इसका प्राइस हो जाएगा 1669 रुपए। तो अगर आपको डिश एंटेना नहीं चाहिए तो प्राइस सबसे बेसिक है, बहुत कम है, 999 रुपए। और अगर आपको एंटेना चाहिए तो ये वाला सबसे बेस्ट रहेगा, 1199 रुपए वाला। तो अगर आप इसको ऑर्डर करते हैं तो आपको ये 2 से 3 दिनों के अंदर डिलीवर हो जाएगा। तो इसका बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, अगर आपको परचेज करना है डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। ये था ओवरऑल रिव्यू एयरटेल DTH और डिश टीवी DTH के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कौन सा DTH लेना बेहतर है। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि अपने फ्रेंड्स नेबर्स में रिलेटिव में पूछ सकते हैं कि वो कौन सा सेट ऑफ बॉक्स, HD सेट ऑफ बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, कौन सा DTH यूज़ कर रहे हैं। तो उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग हमें कौन सा DTH परचेज करना चाहिए, क्योंकि वो इसको यूज़ कर रहे हैं रेगुलरली। इन दोनों DTH का बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, अगर आपको परचेज करना है डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकॉन हिट कर दें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।